भारत जोड़ो यात्रा आज से 2 जनवरी तक रहेगी विराम पर। कंटेनर्स की मरम्मत के लिए भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया है 9 दिनों का ब्रेक। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यूपी कांग्रेस ने की खास तैयारी। राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 जनवरी को यात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से यूपी में करेगी एंट्री। राहुल की यात्रा में यूपी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। प्रदेश कांग्रेस ने हर जिले का प्रतिनिधित्व रखने का किया फैसला। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सीएम बने बीजेपी विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर के नाम पर लगी मोहर। सरकार देगी नेता प्रतिपक्ष का दर्जा। बिहार में एसएससी पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश ने दिया बड़ा बयान। कहा, जांच के बाद मामले के आरोपियों पर लिया जाएगा सख्त एक्शन। कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है सीएम अशोक गहलोत। बोले, राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं यूपी महाराष्ट्र से बेहतर। हम कोविड से निपटने के लिए तैयार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि। आज है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 98वीं जयंती। पीएम मोदी ने आज साल के अंतिम बार की मन की बात। कहा, देश ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे किए। 2022 में देश ने पकड़ी नई रफ्तार। देश में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए चीन, जापान समेत 5 देशों से आने वाले नागरिकों की जांच जरूरी। राज्यों में हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल के आदेश। पंजाब, हरियाणा समेत 11 राज्यों में शीतलहर का कहर। श्रीनगर में पारा -5 डिग्री पहुंचा। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। पेरिस में विरोध प्रदर्शन तेज। 3 लोगों की जान जाने के बाद बौखलाए कुर्दों और पुलिस में हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को जलाया। अमेरिका करेगा पाक की मदद। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का दावा। अफगानिस्तान से सुरक्षा के लिए हमें फंड्स देना चाहता है अमेरिका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे को बड़ी राहत। लाहौर कोर्ट से सुलेमान को मिली अंतरिम जमानत। चीन के शिनजियांग प्रांत में सोने की खदान धसी। 18 लोगों के फंसे होने की खबर। बचाव अभियान जारी। चीनी खदानों में पहले भी हो चुके हैं हादसे। अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान का जुल्म। पहले पढ़ाई और अब नौकरी को लेकर दिया फरमान। एनजीओ में महिलाओं के काम करने पर लगाया प्रतिबंध। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका। 2022 के लिए 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं बिलेटेड आईटीआर। जल्द करा लें पैन को आधार से लिंक। 31 मार्च 2023 के बाद आधार से लिंक नहीं किए गए पैन कार्ड होंगे इनऑपरेटिव। टीम इंडिया ने मीरपुर टेस्ट में बांग्लादेश को हराया। भारत ने टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। प्रीति जिंटा ने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया क्रिसमस। वीडियो शेयर कर लिखा, हमारी फैमिली की तरफ से आपकी फैमिली को क्रिसमस की बधाई। मैं अटल हूं फिल्म का मोशन पोस्टर हुआ रिलीज। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के गेटअप में दिखे पंकज त्रिपाठी। ट्रांसफॉर्मेशन देख फैंस हुए हैरान।